काफी रात हो चुकी है, कब पहुंचेंगे हम अपने नए घर में? बस बेटा, और 2 मिनट में पहुंच गए। अरे भाई साहब। जी भैया। अरे भाई साहब, ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा? आपने यहाँ क्यों जाना था? भाई साहब, ये हमारा नया घर है। हे भगवान, यहाँ से चौथा घर है सर। ये ऐसे क्यों बोल रहा था? भगवान जाने, छोड़ो ना, हम तो अपने नए घर चलते हैं। आ जाओ, योर न्यू होम। आओ, ये तुम्हें डाइनिंग टेबल दिखाता हूँ। कितने ये कितने टाइम से बंद पड़ा है। ओ वाओ, इतना सुंदर। ये तो बहुत ही सुंदर है ना। बच्चों चलो सोते हैं, बहुत लेट हो गया है। पापा वो मेरा बेड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। आ गए, शनाया कहाँ है अभी तक? इतना थक गई है, अभी भी सो रही है। कमाल है। चलो मैं भी आता हूँ। हाँ जी। आ गई मेरी बेटी। मम्मा मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्यों? क्या हो गया? लग रहा है मेरे ना पेट पे कोई पूरी रात ना बैठा रहा है। अरे कुछ नहीं मेरा बेटा, देखो ना भूख लगी है। ऐसा करो, आप लोग चलो और मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अभी शनाया पता है मुझे क्या कहती है? मम्मा पेट में दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है पेट पे कोई पूरी रात बैठा रहा है। ये बच्चे बिना क्या क्या बोलते हैं। सुनो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारे को इतना बड़ा और इतना सुंदर घर वो भी इतने सस्ते में मिल गया। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई, जब हम उससे इस घर का सौदा कर रहे थे वो इतना डरा डरा बहुत घबराया हुआ लग रहा था। अरे आप छोड़ो, उसको पैसे की जरूरत थी, हमारी तो लॉटरी निकल गई। मम्मा। हाँ जी बेटा। क्या हमारे रूम में कोई शीशा है? नहीं बेटा, कोई शीशा नहीं है। लेकिन जब मैं टीवी देख रही थी तो मेरे को लगा मेरे पीछे मैं ही बैठी हूँ, तो मैंने सोचा कोई शीशा होगा। नहीं बेटा, तेरा ध्यान टीवी में होगा। इसको छोड़ो, नहाने का टाइम हो गया है, आप जाओ अपनी अलमारी से कपड़े निकालो। You naughty boy, इधर आ। तुम्हारा खेलने का कोई तरीका ही नहीं है। देखो दीदी कितना डर गई। बेटा ऐसे नहीं करते। ये क्या है? इन्होंने तो डरा ही दिया था। तुम इन्हें कुछ समझाती क्यों नहीं? अरे बच्चे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई बात। मम्मा, जब से हम इस नए घर में आए हैं पता नहीं शनाया को क्या हो गया है, हमारे साथ खेलती भी नहीं है और बस चुपचाप बैठ के टीवी देखती रहती है।
बेटा कोई बात नहीं, नई जगह है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। कोई बात नहीं, आप लोग खेलो। हाय हाय, तुम्हारा नाम क्या है? शिनाया। और तुम्हारा? पूजा। तुम कहाँ रहती हो? मैं तो यही रहती हूँ, इसी घर में। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ मैं बनूंगी। क्या तुम मुझे डॉल दोगी? मैं क्यों दूंगी, मेरी डॉल है। मम्मा आप मेरे साथ इधर आओ। कहाँ बेटा, बताओ तो। मम्मा ये डॉल मेरी है ना? हाँ हाँ। तो मैं किसी को एड क्यों दूँ? मां दो बेटा, ये आप ही की है। तो ये पूजा कौन होती है कहने वाली की ये डॉल मेरे को दो? पूजा? कौन पूजा? आओ मैं आपको दिखाऊं। आओ मम्मा मैं आपको पूजा से मिलाऊं। मम्मा ये मेरा पूजा से। कौन है पूजा, कहाँ है पूजा? मम्मा अभी तो मैं इधर बैठी थी। शनाया अब मुझे तेरी बातों पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं खाना लगा रही हूँ, आप टेबल पे आओ। ठीक है मम्मा। शनाया आपका खाना लग गया। मम्मा ये क्या, आपने एक ही प्लेट लगाई है, मुझे ना बहुत भूख लगी है, आप एक और प्लेट लगा दो। बेटा आप रोज इतना ही खाते हो। मम्मा मुझे ना बहुत भूख लग गया, प्लीज एक और प्लेट लगा दो, प्लीज प्लीज। ओफो, अच्छा मैं लगाती हूँ। चलो बेटा, बेटा मुझे ना काम है, मैं अपना काम करके आती। ठीक है मम्मा। ठीक, पूजा आ जाओ। हाय पूजा। हाय शिनाया, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी क्यों ना होंगी जो तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो। ध्यान तो मैं रखूंगी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हो। आओ चलो खाना खाए। नमनीक देखो ना इसको। क्या हो गया? इसने एक बार में दो जनों को खाना खा लिया। अरे तो क्या हो गया, छोटा बच्चा है, भूख लगी होगी ना उसको। बेटा जाओ तुम अंदर जाओ। नहीं रमनीक आप समझ नहीं रहे हो, कुछ गड़बड़ है। ये शनाया जब से हम यहाँ आया है ना अजीब सा बिहेव कर रही है, कभी पूजा कुछ नाम लेती है, अब दो प्लेट का खाना खा गई। नहीं नहीं मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, नया घर है इस करके शुरू में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, सब ठीक हो जाएगा। आओ चलो, आओ 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 चलो चलो चलो। रमनीक गार्डन में देखते हैं। चलो चलो चलो। हाय शिनाया। हाय पूजा। तुम्हारे पास कितने भाई बहन हैं? मेरे पास एक बहन है अनान्या और एक भाई है सियान। क्या तुम मुझे अपनी बहन अनान्या से मिलाओगे? हाँ जरूर। ठीक है तो मुझे अपनी बहन अनान्या से कल मिलाना। ठीक है। शिनाया आप यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मम्मा मैं अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही हूँ। कौन सी फ्रेंड, कहाँ है फ्रेंड? पूजा। आप चलो मेरे साथ। चलो मम्मा एक सेकेंड। ये क्या कर रहे हो? मम्मा मैं अपनी फ्रेंड को बाय कर रही हूँ। हे भगवान बाय, आप चलो मेरे साथ। अनान्या सुन। हाँ जी मम्मा। बेटा जरा तू शनाया से बात करना, देख कौन है पूजा, क्या चक्कर है ये पूजा का। ठीक है मम्मा मैं समझने की कोशिश करती हूँ। अनान्या दीदी क्या आप मेरी फ्रेंड पूजा से मिलना चाहोगे? हाँ हाँ जरूर। ठीक है चलो। हाय शनाया। हाय पूजा। ये मिलो मेरी बड़ी बहन अनान्या से। हाय अनान्या। हाय पूजा। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ करूंगी। लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर तुमने ये दोस्ती करी तो तुम ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ पाओगी। ये मिलो मेरी बड़ी बहन नेहा से, ये तुम्हारी दोस्त बनेगी। हाय नान्या। चलो हम चलते हैं, हम कल मिलेंगे। बाय। माँ आपको पता है मैं अभी पूजा से मिलकर आ रही हूँ, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। पूजा से मिलकर आ रही है? हाँ बल्कि उसने अपनी बड़ी बहन से भी मिलवाया, नेहा। अब नेहा कौन है? वो अम्मा आप रहन दो, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके साथ खेलने जा रही हूँ। रमनीक क्या हो गया? अभी तक तो इस घर में सिर्फ पूजा थी, अब नेहा भी आ गई है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, हमारे घर के बच्चे इस घर से बाहर नहीं गए, बाहर से कोई बच्चा इस घर में नहीं आया, तो ये पूजा और नेहा कौन है? अरे कौन है पूजा नेहा? शनाया कह रही है पूजा मेरी फ्रेंड है,
अब अनान्या कह रही है नेहा मेरी फ्रेंड है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं है, बेचारे बच्चे अकेले हैं घर में, वैसे ही आपस में खेल रहे होंगे, तुम कोई टेंशन मत लो। मैं तो थक गई हूँ, मैं सोच रही हूँ एक मेड रख लेती हूँ। देख लो यार, जैसे तुम्हारी मर्जी है। हेलो, हाँ जी भैया, भैया मुझे ना एक मेड चाहिए। हाँ मेरा एड्रेस है। क्यों? अरे अरे सुनो तो भैया, दूसरा ट्राई करती हूँ। हेलो भैया, मुझे एक मेड की जरूरत थी। हाँ मेरा एड्रेस है। अरे अरे अभी तो कह रहे थे। अरे सुनो तो सही भैया। क्या हुआ, कोई हुआ इंतजाम मेड का? हाँ हाँ, मैं अभी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी ना, तो उसके पास जो लड़की काम करती है उसकी सगी बहन कल ही गाँव से आई है, तो वो भेज रही है मेरे पास। शुक्र है भगवान का। चलो शुक्र है तुम्हारा काम बन गया। नमस्ते भाभी, मैं सुष्मिता हूँ। अच्छा आजा बेटा, ये है किचन। आ मैं तेरे को बच्चों से मिलवाती हूँ। सुष्मिता ये है अनान्या, ये है शिनाया, ये है सियान। बच्चों ये आपकी न्यू दीदी सुष्मिता दीदी। बच्चे क्या खेल रहे हो? दीदी हम कार्ड्स खेल रहे हैं। अच्छा दीदी, मुझे ना बहुत प्यास लगी, आप मेरे को पानी ले आ दोगे? ठीक है बेटा, मैं लेकर आ रही। दीदी मुझे ना बहुत प्यास लगी, आप मेरे को पानी ले आ दोगे? ठीक है बेटा, मैं लेकर आ रही। मैं ला तो रही थी बच्चे आपके लिए। दीदी मैंने आपसे पानी मांगा था। अभी तो किचन में दिया था बेटा आपको। दीदी मैं तो इनके साथ यहीं बैठ के खेल रही हूँ, मैं किचन में कब आई? हाँ दीदी, तब से ये यहीं बैठी है, हमारे साथ खेल रही है। क्या भाभी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी। अनान्या नेक्स्ट वीक आपका बर्थडे आ रहा है ना, चलो आपकी बर्थडे ड्रेस लेने चलते हैं। सुष्मिता। हाँ जी बेटा, हमने ना मार्केट जाना है, तुम फटाफट अनान्या को रेडी कर दो। अच्छा बेटे। हेलो जाएंगे, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? सुष्मिता। हाँ जी। तुमने इसको तैयार नहीं किया? भाभी अभी तो मैं अपने हाथों से तैयार किया इसको। या तो तुम पागल हो गई हो या मैं, ये तुम्हें तैयार दिखती है? जाओ इसको तैयार करके लाओ। भाभी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भाभी भाभी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भाभी क्या हो गया बता तो। भाभी वो सेनायो को पानी दिया किचन में, वो बोलती है कि आपने मुझे पानी नहीं दिया। फिर मैं अनान्या को तैयार किया, आप बोलते हो कि तैयारी नहीं हुई है। तेरा ना दिमाग ही खराब हो गया है, और मेरे बच्चों के बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जा अपना काम कर। रमनीक ये हमने किसको रख लिया? ये कभी कहती है शनाया को पानी दिया नहीं दिया, अनान्या को तैयार किया नहीं किया, इसकी तो बातें ही नहीं मुझे समझ आ रही। अरे तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा काम चल रहा है ना, तुमको पहले ही लड़की इतनी मुश्किल से मिली है, अब बस अपना काम चलाओ। मामा मामा, अनान्या शनाया तो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही है, मैं किसके साथ खेलूं? फ्रेंड्स के साथ खेल रही है? कौन सी फ्रेंड्स? पूजा और नेहा। पूजा और नेहा?